News के प्रायोजक है द नेचर प्राइड रिजॉर्ट, रेन डांस, स्विमिंग, लॉजिंग, डाइनिंग, ये सब सुविधा द नेचर प्राइड रिजॉर्ट रावनवाड़ी में। भंडारा शहर समेत जिले में डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। जिलाधिकारी संदीप कदम ने प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे निवारक उपायों में तेजी लाने का निर्देश दिया, साथ ही लोगों से अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए ड्राई डे मनाने का आह्वान किया। जिलाधिकारी संदीप कदम ने सोमवार को टेलीविजन प्रणाली के माध्यम से निवारक उपायों की समीक्षा की। इस अवसर पर निवासियों पर जिलाधिकारी शिवराज पडोले, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर अदिति त्याड़ी, डॉक्टर माधुरी माथुरकर आदि अधिकारी मौजूद थे। बैठक में जिलाधिकारी कदम ने स्वास्थ्य व्यवस्था, सभी नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायत परिसर में छिड़काव को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने आशा वर्कर को घर घर जाकर जागरूकता फैलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि भंडारा शहर समेत पूरे जिले में डेंगू बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक और, कोविड-19 वायरस के रोकथाम के लिए प्रभावी एवं कारगर उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। डेंगू ये एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। ये फ्लू जैसी तीव्र बीमारी है। ये रोग दो तरह से हो सकता है। इनमें डेंगू बुखार एवं डेंगू रक्तस्रावी बुखार यानी DHF शामिल है, जो डेंगू बुखार के रोगी के इलाज में देरी करने पर मृत्यु का कारण बन सकता है। इसलिए हर नागरिक के लिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी आवश्यक होने की बात जिलाधिकारी ने कही। आपके अपने चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज की खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।